एवरीवन, दिस इज योर विकी सिंह। मैं आपका फिर से स्वागत करने आ गया राइज एकेडमी में। आज ये चैप्टर में लास्ट स्वागत करने आ गया राइज एकेडमी में, क्योंकि ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होने वाला है। हालांकि ये चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको बोला मैं नए वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो स्पीड और टाइम के बेस पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और आपके जो स्कूल्स में एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आपके टीचर सबसे पूछेगी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ध्यान से देखना, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। उस क्वेश्चन का अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपके आने वाले जो वैल्यू चेंज है या कुछ अलग कुछ आपको दिया गया उसमें क्वेश्चन, तो आप वो सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक प्रतीक नाम का लड़का है, उसने एक दिन क्या किया, बोर्ड निकाला। ध्यान दो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते, पहले हमारा क्वेश्चन पढ़ने का काम था वो हम कर लेंगे। प्रतीक टेक 8 hours टू टेक अ ट्रैवल ऑन 36 किलोमीटर। प्रतीक को 8 घंटे लगते हैं ट्रैवल करने के लिए, कितने किलोमीटर, 36 किलोमीटर। बट वो 36 किलोमीटर सीधे सीधे नहीं निकल रहा है, 36 किलोमीटर मतलब जा भी रहा है आ भी रहा है, इन दोनों को मिला को 36 किलोमीटर हो रहा है जाकर आकर, ठीक है। अब वो जो जा रहा है वो डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। देखो आपको शायद एक मतलब वर्ड टू वर्ड अगर मैं पढ़ूंगा तो शायद समझ में नहीं आएगा डाउनस्ट्रीम क्या है। प्रतीक ने बोट लिया, देखो मेरी बात समझो, अब मैं आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन दिखाता हूं, ठीक है। अब देखिए एक प्रतीक है, उसने बोट लिया। अब बोट में उसने देखा कि एक समझो एक हिल है, एक मतलब ऐसा स्लोप पॉइंट है। अब उसने स्टार्ट किया, समझो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा है। अब उसे बोट स्टार्ट करना है, तो बोट यहाँ पे अगर वो मतलब एक अगर हिल है तो उसमें पानी गिर रहा है, ठीक है, ऐसा स्लोप है, तो वो जो पानी उसकी अलग स्पीड होगी, वाटर की अलग स्पीड होगी। अब प्रतीक जब खड़ा हुआ वहां पे, अब बोट को लिया, तो अगर उसे नीचे जाना है तो वाटर की जो स्पीड है और उसकी जो बोट की स्पीड है तो क्या होगा बच्चों, वो दोनों ऐड हो जाएगा ना। क्योंकि आप भी जब भी देखो गाड़ी चलाते हो तो आपके अगर आपके पास स्लोप आया तो आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, क्यों, क्योंकि जो स्लोप का जो स्पीड होगा और आपकी जो गाड़ी का स्पीड होगा वो दोनों क्या होगा, ऐड होगा। तो सेम प्रतीक के साथ भी यही हुआ। प्रतीक जब बोट लेके खड़ा हुआ तो उसने देखा पानी गिर रहा है, तो बोट को जब वो लेके जाएगा नीचे डाउन स्ट्रीम में, इसी को हम डाउन स्ट्रीम बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम में जब लेके जाएंगे तो वाटर का स्पीड मतलब करेंट वाटर का स्पीड एंड बोट का स्पीड दोनों क्या होगा, ऐड होगा। ये डाउन स्ट्रीम कंडीशन। अब प्रतीक जब नीचे गया तो वाटर स्पीड प्लस आपका उसके बोट का स्पीड ऐड हुआ। अब प्रतीक वापस ऊपर आना था, अब अपस्ट्रीम में चलेगा। तो मुझे एक बात बताओ, जब वो अपस्ट्रीम में आएगा, जब नीचे से ऊपर आएगा, तो क्या वो बोट का जो स्पीड है वो तो उसके साथ है, बट उसका जो वाटर का स्पीड है वो उसके साथ आएगा क्या? नहीं, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। क्या चल रहा है? अपोजिट। वो बोट लेके चल रहा है और वाटर इधर से जा रहा था, वाटर ने अपने डायरेक्शन चेंज नहीं किया ना, वाटर तो नीचे से ऊपर से नीचे गिर रहा था। तो वो जब बोट लेके जाएगा तो वाटर उसके अपोजिट में जाएगा, मतलब करंट वाटर की जो स्पीड है उससे क्या हो जाएगी, माइनस करेगी, रोकेगी, मतलब ये चलते रहेगा और ये इसको क्या करेगा, रोकेगा। कब? अपस्ट्रीम में। बट डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, ये जो चल रहा है और वाटर भी चल रहा है दोनों ऐड होगा। अपस्ट्रीम में क्या होगा, ये बोट चल रहा है बट वाटर स्पीड क्या होगा, माइनस होगा। यही तो बताना था आपको, इसको बोलेंगे अपस्ट्रीम और इसको बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। कंडीशन क्या दिया था? कंडीशन दिया कि प्रतीक ने, प्रतीक जैसे यहां पे स्लोप में ले लेता हूं, ये जो स्लोप है, ओके, अब प्रतीक यहां पे बोट लेके खड़ा हुआ, यहां पे प्रतीक का बोट है, ठीक है, ये प्रतीक की बोट है। तो ये जो स्पीड है, ये जो वॉटर की जो करंट स्पीड है वो नहीं पता है, वो नहीं पता। तो हम क्या बोलेंगे, वाटर की करंट स्पीड क्या है, एक्स। देखो क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन में दिया गया है, क्या बोला है, प्रतीक टेक 8 hours टू ट्रैक ट्रेवल 36 किलोमीटर। प्रतीक को कितना टाइम लग रहा है, 8 hours लग रहा है उसे, 8 hours सिर्फ जाने में नहीं, 8 hours जाने में भी और आने में भी, दोनों को मिला के 8 hours लग रहा है। तो इसको पूरा जो टाइम लग रहा है, मैं टाइम यहां पे कर लेता हूं, इसे जो पूरा टाइम जो लग रहा है वो टाइम है 8 hours। क्या अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों मिला के 8 hours लग रहा है, और वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये मैं डिस्टेंस यहां पे कर लेता हूं, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो है 36 किलोमीटर। ये क्या है, इसका डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, 36। इसमें भी अप प्लस डाउन, इसमें भी अप प्लस डाउन, दोनों को मिला के, दोनों नीचे जाना और ऊपर आना दोनों को मिला के उसका किलोमीटर जो कवर हुआ वो है 36 किलोमीटर। जाना और आना दोनों में टाइम जो लगा उसको 8 hours लगा।
अब इसमें स्पीड ऑफ करंट वाटर की जो स्पीड है वो क्या है वो नहीं पता, ये जो करंट वाटर की जो स्पीड है वो हमें नहीं पता है। हाँ, बट हमें बोट की स्पीड पता है। बोट की स्पीड जब देखेंगे उसे क्या लिखा है, डाउन से रिटर्न टू द सेम स्पॉट, द स्पीड ऑफ द बोट इन अ स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर। कितना है उसका, बोट का जो स्पीड है वो है 12 किलोमीटर की स्पीड से चला रहा हूं। अब ये बोट चला रहा है 12 किलोमीटर की स्पीड से पर आवर, 12 किलोमीटर पर, ऑब्वियसली आपको यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये इसकी स्पीड है। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, हमें इसकी स्पीड निकालना है बच्चों, हमें इस वाटर की स्पीड निकालना है, हमें क्या निकालना है, वाटर की स्पीड निकालना है। पहला तो जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन के बेस पे हमें क्या क्या मिलेगा वो हम निकालेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि अपस्ट्रीम में, तो पहले लिख दिया लेट करंट स्पीड ऑफ वाटर इज एक्स, है ना, एक्स किलोमीटर पर आ, है ना, एक्स किलोमीटर पर आ, स्पीड वाटर की स्पीड क्या बोला हमने, एक्स किलोमीटर पर आ, ठीक है। इन अपस्ट्रीम, इन अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा इसका स्पीड, बोट का स्पीड कितना बेटा, 12 प्लस ये वाला स्पीड कितना है वाटर का, x, क्यों, सॉरी अपस्ट्रीम लिख रहा ना, अब मतलब ऊपर जाना, तो अब में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, 12 माइनस, देखिए बच्चों ये होगा आपका डाउनस्ट्रीम और ये होगा आपका अपस्ट्रीम। डाउन में क्या होगा, डाउन में 12 प्लस एक्स होगा और अप में क्या होगा, 12 माइनस एक्स, है ना। डाउन में क्या होगा, उसका जो स्पीड है बोट का वो प्लस उसका जो करंट स्पीड ऑफ वाटर है वो दोनों ऐड होगा, और अप में क्या होगा, जो बोट का स्पीड है वो अब माइनस क्या होगा, उसका वाटर का स्पीड, जो करंट वाटर का स्पीड है वो माइनस होगा। तो हम लोगों ने ये सेम लिखा, और इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाए बेटा, 12 प्लस एक्स, ये दोनों कंडीशन। अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या हो गई, और अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड हो गई 12 माइनस एक्स, और डाउनस्ट्रीम में बोट की स्पीड हो गई 12 प्लस एक्स, बराबर है। अब हमारे पास यहां पे दोनों को मिला के जाना और आना, ये दोनों को मिला के कितना टाइम उसने लिया, 8 घंटे। मतलब हमारे पास दिया क्या है, 8 घंटे उनका टाइम दिया है, क्या दिया है, टाइम दिया है। ये दोनों को टाइम जब दिया है तो हमारे पास एक टाइम का फॉर्मूला है, स्पीड से हमें टाइम का फॉर्मूला मिला है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये किधर से है, स्पीड के फॉर्मूला से। एक्चुअली स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड का फॉर्मूला क्या, अब ये देखिए मैंने स्पीड का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि दोनों को मिला के कितना स्पीड था वो हमें पता नहीं था, बट दोनों को मिला के, दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास टाइम कितना लग रहा है वो हमें पता था, इसलिए हमने क्या इसका यूज किया, स्पीड की जगह यहां पर लिख दिया टाइम, इधर लगा दिया, मतलब टाइम का फॉर्मूला लगा दिया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब किसका किसका टाइम, टाइम पहले t1 होगा, दूसरा t2, पहले t1 किसका, अपस्ट्रीम फिर डाउनस्ट्रीम। तो चलिए लगाते हैं हम लोग, टाइम टेकन बाय बोट फर्स्ट वाला टाइम होगा बेटा, फर्स्ट डिस्टेंस, फर्स्ट का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस कितना है इसका, 36, कितना कवर किया उसने पूरा, 36 किलोमीटर। सो 36 अपॉन, बच्चों ध्यान से देखना, पहला कंडीशन लगा रहा हूं, पहला किसका, यहां पे समझो पहला अपस्ट्रीम लगा रहा हूं, दूसरा डाउनस्ट्रीम लगा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं एक काम करता हूं, आपको और सिंपल कर देता हूं, टाइम टेकन बाय बोट अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम, है ना, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को कितना टाइम लगा उसको, 8 आवर्स, है ना। अब देखिए थोड़ा और अच्छा लगा, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम मिला के कितना लगा उसे, 8 आवर्स। तो अपस्ट्रीम का कितना है, अपस्ट्रीम का उसका टाइम कितना देखेंगे, तो टाइम का क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना बच्चा, डिस्टेंस है इसका 36। अब आप ये नहीं कह सकते सर अगर उसको 36 किलोमीटर अगर लग रहा है तो वो 12 किलोमीटर जा रहा है, 12 किलोमीटर आ रहा है, ऐसा नहीं,
हो सकता है कम डिस्टेंस ज्यादा जाने में लगे और आने में कम लगे, ठीक है। तो वो 36 किलोमीटर टोटल ट्रेवल कर रहा है, तो ये ऑफस्ट्रीम का कितना हुआ, 36 अपॉन स्पीड कितना है इसका, स्पीड इसका ऑफस्ट्रीम का ले रहा है, तो ऑफस्ट्रीम का स्पीड कितना है, 12 - x राइट, प्लस डाउन स्पीड का, डाउन का डिस्टेंस कितना है, 36 अपॉन, और इसका स्पीड कितना है, 12 + x। दोनों को मिला के कितना टाइम लगा है, 8 आवर्स, ठीक है। अब इसे देखिए, पहले याद है मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, जब भी रैशनल नंबर के बीच में आपके पास अगर कोई भी अगर ऐसा वेरिएबल टाइप दिखा तो आप चाइनीज बॉर्ड लगा सकते हैं, याद आया इसको, चाइनीज बॉर्ड, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई स्टिक्स इसके बॉर्ड लगाते थे, आप वो कर सकते हो डायरेक्टली, बट यहाँ पे थोड़ा वैल्यू बड़ा हो जाएगा। इससे हमारे पास एक चीज मिल रही है, यहाँ पे 36 कॉमन है ना, तो आप उसे निकाल लीजिए, क्यों, क्योंकि यार अगर मैं डायरेक्टली लगाऊंगा तो 12 × 36 और काफी बड़ी वैल्यू मिल जाएगी, तो आप कॉमन निकाल लीजिए। अगर यहाँ पे कॉमन निकलता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 / 12 - x + 1 / 12 + x और इज इक्वल्स टू, भेज दो उसको ये 36 को वहां पे, तो 1 / 12 - x + 1 / 12 + x इज इक्वल्स टू 8 / 36, तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 9 = 36, ये पहला ये दूसरा और ये दोनों मिला के कितना हुआ, 12। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर, 12 + x ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, 12 + x ही मिलेगा, 12 + x ने 1 से मल्टीप्लाई किया क्या होगा, 12 + x, और 12 - x ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, इसको प्लस बीच में प्लस इसलिए 12 - x, और डिवाइड में क्या है दोनों का मल्टीप्लाई, तो 12 + x × 12 - x है ना, तो बच्चों इसको ऐड कर दो, तो इसको मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, 12 + x + 12 - x अपॉन, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a + b a - b, तो a + b का फॉर्मूला क्या है, a² - b², तो a का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर - b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, सही बच्चों, ध्यान दो बस, देखो सॉल्व हो जाएगा। ओके गाइस, तो हमारा ये होगा कट पूरा 12 a 12 - x इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या था, यहां पे है 2 / 9, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या बचा, 12 + 12 क्या हो जाएगा, यहां पे 12 + 12 हो गया सर 24 / ये देखिए 144 क्या हो जाएगा, 144 - x² इज इक्वल्स टू 2 / 9। अब क्या करेंगे, दो रैशनल नंबर है, दो रैशनल नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो 24 × 9 कर लो, तो 24 × 9 और 2 को किससे मल्टीप्लाई कर लो, 144 - x² से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो क्या हो जाएगा ये 24 × 9 कितना हो जाएगा, 216, कितना हो जाएगा 216, और ये कितना हो जाएगा 144 × 2, 144 × 2 = 288, और ये कितना हो जाएगा -2x², क्लियर है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, अब भेज दो इसको 288, यहाँ पे आने का क्या हो जाएगा 216 - 288 इज इक्वल्स टू -2x² हुआ, बराबर बच्चों, तो 288 में से 216 चला गया, तो 2 और 7 और ये कितना हुआ 72 इज इक्वल्स टू, और ग्रेटर साइन क्या, माइनस इज इक्वल्स टू -2x², ध्यान दे लो बच्चों, माइनस माइनस हो गया कैंसल, 72 अपॉन ये मल्टीपल 2 इधर आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू क्या बचा, इज इक्वल्स टू x² बचा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, मतलब x² इज इक्वल्स टू कितना है बच्चा, 36। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, किसका आया, x इज इक्वल्स टू +-6, अब प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, कितना हुआ स्पीड कितना है उसका, सॉरी करंट करंट वाटर स्पीड कितना आई, x इज इक्वल्स टू +-6, तो x इज इक्वल्स टू +6 और x इज इक्वल्स टू -6, बताओ क्या लेंगे, ऑब्वियसली +6 लेंगे सर, तो उस वाटर की जो स्पीड है वो है 6 km/h, बात समझ में आई, फिर से बोल रहा हूं, बोट है पूरा कितना टाइम लगा, 8 आवर्स, डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर, हमने क्या लगाया टाइम का फॉर्मूला, दोनों को ऐड किया, अपस्ट्रीम में कितना लगा 36 / 12 - x, डाउनस्ट्रीम में 36 / 12 + x, बराबर है, इन दोनों को मिला के, इन दोनों अपस्ट्रीम और हमने क्या बोला दोनों का टाइम और दोनों का स्पीड,
सॉरी दोनों का टाइम और दोनों का डिस्टेंस मिला के कितना हुआ 8। इसका फॉर्मूला इसमें लगा, टाइम का फॉर्मूला अपस्ट्रीम में लगाया, टाइम का फॉर्मूला डाउनस्ट्रीम में लगाया, दोनों मिला के 8 हुआ। धड़ाधड़ हमने सॉल्व किया, चाइनीज बॉल लगाया, सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा 36 बाहर निकाला, आपकी वैल्यू मिल चुकी है। लो आपका चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। अब बताओ क्या करना है, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है सर। चैप्टर नंबर 4 होगा फाइनेंशियल प्लानिंग और वो मैं आपका स्टार्ट करूंगा। फिलहाल यहाँ पे मैं एंड करता हूँ चैप्टर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। लाइक सब्सक्राइब कमेंट कोई भी दिक्कत हो आपके पास यहाँ पे हम अवेलेबल है, सारे डिस्क्रिप्शन आपके नीचे आ रहे हैं, कॉन्टेक्ट आ रहे हैं, लिंक ऊपर जो भी है सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। आपको अगर कोई डाउट है आप आ सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपके पास कौन से क्वेश्चन का प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरा नंबर आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में देख रहे हो, तो आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।